स्टेप मैथमेटिक्स चैनल में बेटा ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन क्या होता है, इसको समझते हैं। सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दे रखा, हमसे कह रहा है कि ये बताओ ऑड है कि इवन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स की जगह माइनस एक्स रख देना, एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है और रिजल्ट फिर वही पुराना अगर मिल जाए, यानी पुराना एफ एक्स मिल जाए, तो हमारा फंक्शन हो जाता है इवन, अगर माइनस आता है तो ऑड। हमारी बात को सुनो, एक्स की जगह हमें क्या रखना है, माइनस एक्स, तो हमने माइनस एक्स रखा, जहाँ जहाँ एक्स है यहाँ भी रखा, तो जैसे ही हमने माइनस एक्स रखा तो ये तो रिजल्ट प्लस का दे दिया उसने, तो हमने देखा कि एक्स की जगह हमने क्या रखा, माइनस एक्स, फिर से हमको वही पुराना फंक्शन पॉजिटिव मिल गया, तो ये फंक्शन हो गया इवन। इन फंक्शन को क्या पढ़ेंगे, इवन, यानी ऐसे फंक्शन जिनमें हमने एक्स की वैल्यू क्या रखी, माइनस रखी, और फिर से हमको जैसे आपसे कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये फंक्शन कैसा है, तो आप एक्स की जगह क्या रखेंगे, माइनस, तो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा माइनस, और ये हमें मालूम है कॉस माइनस थीटा या कॉस माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ही होता है, तो आप देखो आपको पुराना वही फंक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया, तो ये हो गया इवन फंक्शन। इसको क्या पढ़ेंगे, ये हो गया इवन फंक्शन, लेकिन ऑड फंक्शन में इसका जस्ट रिवर्स होगा। लेट कर लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आप एक्स की जगह माइनस रखिए जरा, तो माइनस एक्स, तो रिजल्ट तो आपको माइनस का एक्स क्यूब मिलेगा ना, यानी मिल तो रहा है पुराना फंक्शन लेकिन माइनस फॉर्म में, तो ये बन जाता है आपका ऑड फंक्शन। जैसे हम आपसे कहें एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, जरा माइनस रख के देखो, तो ये आ जाएगा साइन माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन ही होता है, लेकिन ये माइनस में आ रहा पुराना फंक्शन, तो ये आपके हो गए ऑड फंक्शन। थैंक्स अ लॉट।